हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ एंड हम उसका करने वाले हैं रिव्यू। तो आपको पता है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ, और इस बार मैंने स्पेशली मम्मी को भेजा था। मैक्स हम लोग गए थे तो मैंने वहां से नहीं खरीदा, लेकिन मम्मी लेके आई है बहुत सारी चीजें जो मतलब मैंने भी अपनी पसंद से नहीं लिया है। शी हैज ब्रॉट अ बंच ऑफ थिंग्स एंड मुझे पता ही है कि मुझे मम्मी की पसंद ऑलमोस्ट पसंद ही आती है, हम दोनों की सेम ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे विंटर वेयर जो उधर कलेक्शन आया है वहां से बहुत सारी चीजें, लाइक बहुत सारी भी नहीं, चार आइटम्स लेके आई है एंड हम उसका करने वाले हैं रिव्यू। तो बिना रुके हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैक्स का स्टोर से है, ऑब्वियसली ऑनलाइन भी आपको चीज मिल जाएगी, बट अगर मुझे उसकी लिंक मिलती है देन ओनली आई कैन एड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नहीं तो आपको स्टोर जाके ही देखना पड़ेगा या तो ऑनलाइन ही सर्च करना पड़ेगा। लेट मी सी, अगर मुझे मिलती है लिंक देन आई कैन एड इट, बट नहीं मिली तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन वही बचता है। सो अब फाइनली हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, दिस इज द फर्स्ट जैकेट विच माई मदर बॉट फॉर अस, एंड अगर हमें पसंद नहीं आता हम इसे एक्सचेंज भी करा के आ सकते हैं। तो मैंने वैसे ही सोच के रखा था कि इनकेस अगर हमें नहीं पसंद आया एंड कोई नहीं पहनना चाहेगा तो हम इसे एक्सचेंज करा लेंगे। तो ये जैकेट है ब्राउन कलर का, मैं इसको आपको पास भी दिखाती हूँ। तो दिस वॉज अराउंड नहीं, टोटल इसकी एक्चुअल प्राइस है 1299 रुपीज। अगर मुझे इसका स्क्रीनशॉट मिलता है लाइक उनके ऐप पे तो मैं डाल दूंगी। तो ये बहुत प्रिटी है। अब इट्स नॉट लाइक कि आप इसे सिर्फ विंटर्स में पहन सकते हो, दिस कैन बी वोन इन समर्स एज वेल, क्योंकि ये ना एकदम वुलन वाला नहीं है, नॉर्मल जीन्स का जैकेट है, तो आप ये पहन सकते हो कभी भी। तो ये बहुत प्रिटी लग रहा है एक्चुअली। कैसे ब्राउन कलर इज लाइक सबके साथ मैच करता है एंड इतना वो वाइब्रेंट भी नहीं लगता, इतना वैसा भी नहीं लगता है, तो इट्स नॉर्मल। बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें पॉकेट्स नहीं है, कि जैकेट में हम स्पेशली पॉकेट्स रहे तो ज्यादा बेटर रहते, क्योंकि हाथ वगैरह डाल सके उसमें अगर ठंड में पहन रहे या कहीं आप घूमने जा रहे हो तो कुछ भी कर रहे हो तो पॉकेट्स है। अदर देन दैट बाकी बहुत अच्छी फिटिंग आई है इसकी। अब ये कैसा है, हम लोग के घर पे जो जैकेट्स आते हैं वो स्पेशली ना जैसे मम्मी का जो साइज है मम्मी के साइज का ही रहता है एंड मम्मी को जैसे फिट हो रहा है तो मुझे थोड़ा सा लूज होगा तब वो मुझे वैसे चलते हैं, मुझे एकदम टाइट जैकेट्स नहीं पसंद है और मेरी बहन को ओवर साइज होता है वो। तो हम लोग का ना कैसे एक जैकेट में तीन लोग पहन सकते हैं, तो हम लोग ना प्रिफर करते हैं कि जैकेट्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एक जैकेट तीन लोग पहन सकते हैं, तो दैट्स ग्रेट। तो जैसे अगर ये मुझे पसंद आया तो ऑब्वियसली मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मा तीनों पहनेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है, तो ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है। आप कलर देख सकते हो, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैं बहुत ज्यादा ही इसकी तारीफ करते रहूंगी। अब हम जाते हैं सेकंड वाले क्लोथिंग आइटम पे जो उन्होंने लेके आया है। सो गाइज, दिस इज द सेकंड जैकेट, में थोड़ी टॉम बॉयश लग रही बट ऐसा नहीं है। तो ये बहुत जैसे दिस इज अ स्लीवलेस वाला जीन्स का नहीं बोल सकती, कॉटन जैकेट है। तो ये स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये पर्पल कलर का है, आपको इतना पसंद नहीं आ रहा होगा मेरी बॉडी फिटिंग के हिसाब से, बट ऑब्वियसली मुझे जैसे स्लीवलेस ज्यादा पसंद है तो मैं फुल टॉप पहन सकती हूँ या हाफ टॉप, मतलब नॉर्मल स्लीव लेंथ वाला टॉप पहन सकते हैं, उसके ऊपर ये जैकेट बहुत अच्छा लगेगा। इसमें एक और चीज अच्छी है कि इसमें इलास्टिक है तो आप इसे बटन अप कर सकते हो, ये पूरी चीज तो नीचे इलास्टिक है, इसका पैटर्न ही वैसा है। अदर देन दैट तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी फिटिंग भी आई है एंड दिस वॉज फॉर 999 रुपीज। सो ठीक है, 1000 रुपए में ये अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है तो ऑब्वियसली हम प्रिफर करेंगे लेना। तो ये कैसा है, मैक्स इज लाइक, मैक्स के कपड़े बहुत अच्छे रहते हैं, हम लोग मैक्सिमम शॉपिंग मैक्स से करते हैं जैसे डेली वेयर की, और हमें अब कभी किसी को गिफ्ट भी करना था मैक्स से करते क्योंकि मैक्स की क्वालिटी सबको पता है बहुत ही अच्छी रहती है, तो हम वो प्रिफर करते हैं। तो ये अच्छा तो लग रहा है, सीरियसली बहुत अच्छा है। आप सामने से भी देख सकते हो कि ये कलर इसका एग्जैक्टली कैसा दिखता है, इसका पैटर्न कैसा है, तो ये बहुत प्रिटी है एंड इसमें सेम प्रॉब्लम है, इसमें पॉकेट्स नहीं है, बाकी तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। सो अब जाते हैं हम थर्ड वाले क्लोथिंग आइटम पे। अब आपको पता ही चल जाएगा, गेस कर ही सकते हो कि मैं कौन सी फील्ड, मतलब कौन सी क्लोथिंग आइटम्स दिखा रही हूँ, बट स्टिल मैं बोल देती हूँ वो चीज। तो अब हम जाते हैं फाइनली थर्ड वाले इस पर। सो गाइज, दिस इज द थर्ड जैकेट। अब ये मैं बोल सकती हूँ ये पूरा विंटर वेयर का है क्योंकि ये तो आपको नॉर्मल जैकेट जैसा दिख रहा है लेकिन अंदर से इट्स लाइक पूरा वुलन टाइप ऑफ है कि आप ठंडी में ही ये पहन सकते हो, लेकिन एकदम एक्सट्रीम ठंडी में नहीं पहन सकते, तब भी ये ठंडी आपको तो प्रॉपर स्वेटर लगेगा, लेकिन ये जो स्टार्टिंग की ठंडी रहती है या खत्म होने वाली ठंडी आप उसमें पहन सकते हो, बहुत अच्छा है। इससे मुझे ना
ये कैसा है सामने से पूरा वैसा नॉर्मल शर्ट जैसा लग रहा है लेकिन अंदर से पूरा वुलन है तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। इसमें बटन्स है तो ज्यादा की इसमें चेन नहीं है, ये बटन से नॉर्मल जो क्लिप ऑन बटन रहते हैं ना इसको डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं। वैसे इसमें मुझे एक चीज बहुत पसंद आई जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इसके पीछे एक है हुडी जो है कॉटन की, इट्स नॉट लाइक ये भी वुलन की है, कॉटन ही है, ऐसी दिखती है पहनने के बाद। तो अब इसमें क्या है, दिस इज डिटैचेबल, ठीक है, इसमें बटन्स लगे हैं पीछे, मैं आपको ना रिमूव करके बताती हूँ तो आपको समझेगा। तो इसके ना इसमें बटन्स है तो आप ये हुडी को रिमूव भी कर सकते हो यहाँ से, और अगर आपको नहीं चाहिए ये, आपको नॉर्मल जैकेट जैसा पहनना तो आप ये पहन सकते हो, नहीं चाहिए आपको हुडी तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो डेफिनेटली आई एम रिकमेंडिंग यू गाइज टू बाई दिस क्योंकि बहुत अच्छा है, एंड इसका प्राइस आई डोंट रिमेम्बर, आई हैव टू आस्क माई मॉमी, सो उसके लिए वेट करते हैं। और अब जाते हैं हमारे फाइनल आउटफिट पे, आउटफिट नहीं टॉप या कुछ भी जो भी लाया है उस पे। दिस इज द फाइनल, ये टॉप है, ये थोड़ा फैंसी वेयर है, आप पहन सकते हो, मैं तो इसे स्पेशली प्रिफर करूंगी विंटर्स के टाइप पे पहनने के लिए क्योंकि बहुत ऐसे बहुत सुंदर सा है, एकदम फ्लफी फ्लफी कुछ ऐसा लग रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट, तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी फिटिंग भी अच्छी आई है, सो ये तो बहुत अच्छा है और ये सबसे अच्छा लग रहा है। इसका कलर भी बहुत वो है लेकिन मैं प्रेफर ऐसे डेली इसमें नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा गर्मी होती है तो ये ऑब्वियसली विंटर्स के टाइम पे पहनने की चीज है, थोड़ा सा वैसा मटेरियल है उसका, तो ओके दैट्स इट आई गेस। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मुझे तो जितने भी आइटम्स लिए थे वो बहुत पसंद आए क्योंकि बहुत अच्छे लग रहे थे वो, उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी जितना मैं एक्सपेक्ट करे, लेकिन ये 1000 to 1500 के रेंज में ही है सारे आइटम्स। तो इसका भी प्राइस आई डोंट रिमेम्बर, आई इसका टैग भी नहीं है पीछे तो मैं बता भी नहीं सकती, अगर मुझे मिलता है ये ऑनलाइन तो मैं इसकी लिंक डाल दूंगी और इसका प्राइस भी आपको पता चल जाएगा, और मुझे अगर ये सारे आउटफिट्स के स्क्रीनशॉट भी मिलते हैं तो मैं हर आउटफिट के साथ लगा दूंगी कि आपको इमेज में भी समझ में आ जाए कि वो कैसा लगता है। सो यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।